हेलो स्टूडेंट, तो टुडे हर्ट के बारे में कुछ थिंग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। एग्जांपल, ये एक हर्ट है और हर्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, करेक्ट। यहाँ पर होता है राइट एट्रियम और यहाँ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये होता है राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद वन मिनट में आवर हार्ट 72 बार बीट्स यानी कि रखता है, तो वन डे में अप्रोक्सीमेटली 1 लेक्स। एंड एग्जांपल, ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स मैंने बताए थे, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है जिसको बोलते हैं ट्रिकस्पिड वाल। ये इधर से उधर ब्लड जाने नहीं देता, इस वाल का नाम है ट्रिकस्पिड वाल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ एक वाल होता है जिसका नाम है बिकस्पिड वाल। एंड बिकस्पिड वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं। मिट्रल वाल्व, ओके। एंड ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और राइट साइड में झुका होता है। लोअर साइड में झुका होता है। और ये हार्ट जो होता है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये एग्जांपल, ये एक हार्ट है, रियल में ऐसा हार्ट नहीं होता है, हार्ट कुछ इस टाइप का होता है, सॉरी इस टाइप का कुछ होता है। तो ये हार्ट जो होता है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये टू पेरी इनर पेरिकार्डियल एंड आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। तो इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, पेरिकार्डियल। और ये एक और से होता है कवर्ड, उसका नाम है इनर पेरिकार्डियल, ये होता है आउटर। ये इनर पेरिकार्डियल, ओके। तो ये दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी एक हार्ट का पिक्चर आपको दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं ये एक हार्ट है, रियल में ऐसा शेप होता है हार्ट का, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम होता है, ओके। और ये दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व, ये दोनों के बीच में मिट्रल वाल्व होता है, सॉरी ट्रिकस्पिड वाल्व होता है, और ये दोनों के बीच में बिकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ओके बाय।